यूजिंग सॉलमेंट एक्स्ट्रैक्शन स्कीम वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देअर केमिस्ट्री एक्स्ट्रैक्शन स्कीम बेसिकली एक ट्री फॉर्मेशन में एक हिरार की हम डेवलप करते हैं जब हम सॉलमेंट्स को दो मुख्तफ सॉलमेंट ऑर्गेनिक और एक एक्वस यानी वाटर लेर फिर उसे सेपरेट करने के बाद कौन से कम्पाउंड एक्वस में जाएंगे कौन से ऑर्गेनिक लेयर में जाएंगे बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ अवर एनाल और अवर रिएक्शन स्कीम वी हैव टू मेक अप एन एक्सट्रैक्शन स्कीम इन द बिगिनिंग जैसे ये एक एक्सट्रैक्शन स्कीम आपके सामने मौजूद है इसमें चार कंपाउंड, जिन चारों की केमिस्ट्री मुख्तलिफ है पैरा क्लोरोन एक बेस है क्लोरोबेंजिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है प्योर एसड और फिनोल एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है नैफेलिन नॉन पोलर कम्पाउंड है तो इनकी केमिस्ट्री पर बेस करते हुए एक एक्सट्रैक्शन स्कीम इस वक्त तो ड्रॉ की गई है यानी इन चारों को अगर हमें अपने मिक्सर में से अलग करना हो तो हम इनको डिल्यूट एच के सॉल्यूशन से ट्रीट कर सकते हैं ये एसिड्स एच के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे नेफ्थलिन नॉन पोलर है इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं करेगी लेकिन अमीन जो कि बेस है वो एच के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में यानी सॉल्ट फॉर्मेशन में आ जाएगी सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये एक्वस लेयर में सॉलेबल होगा और बाकी तीनों कंपाउंड ऑर्गेनिक लेयर में सोलबल हो जाएंगे बेंज़िक एसिड, फिनोल और नफथलिन इस तरह एक्वस लेयर में हमने एक सॉल्ट को एक अमीन को अलग कर लिया बाकी तीनों कंपाउंड कम, अभी भी मिक्सर के अंदर मौजूद हैं हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की केमिस्ट्री डिफर करती है अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, अपनी सॉल्ट फॉर्मेशन में आ जाएंगे लेकिन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो एक वीक बेस है रैक्शन करवाएंगे, तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही इसके साथ रिएक्शन करेगा और वीक एसिड यानी फिनोल वो रिएक्शन नहीं करेगा हमने तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सैचुरेटेड सोलूशन के साथ रिएक्शन करवाया और अगेन सॉल्ट फॉर्मेशन हुई एक्वस लेयर में आ, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजिक एसिड चला जाएगा और ऑर्गेनिक लेयर में अब दो कंपाउंड बाकी रह गए हैं एक फिनोल और एक नफथलिन एक नॉन पोलर है एक पोलर है डेफिनेटली इनको सेपरेट करना इजी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो सोडियम फिनोलेट बनेगा जो एक्वस लेयर में सॉलबल होगा और ऑर्गेनिक लेयर में सिर्फ नफ्थलिन रह जाएगी एक्सट्रैक्शन स्कीम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसी तरह से परफॉर्म करेंगे अगर हम इनिशियल स्टेज के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते तो ये दोनों कंपाउंड एक्वस लेयर में सॉलेबल हो जाते हैं और बाकी दोनों कंपाउंड वो इन सोलबल या ऑर्गेनिक लेयर में ही रहते हैं। और इसके बाद आ, हम मजीद केमिस्ट्री को स्विच स्विच करके बेंज़ोइक एसिड और फिनोल को भी अलग कर सकते थे यानी पहले दो दो कंपाउंड को अलग कर लें और फिर उसमें से दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाए ये भी मुमकिन है यानी एक ही रिएक्शन स्कीम की बजाय आप एक से ज़्यादा रिएक्शन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं विच वन सूट्स यू सू वन एक्ट बैटर ये उनकी यील्ड पर डिपेंड करेगा कि जब आप कंपाउंड को आइसोलेट करेंगे तो उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर या कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर यील्ड दे रही एक एग्ज़ाम्पल में सब डिस्कस कर सकते हैं कैफ़ीन की कैफीन टी लीव्स के एक्सट्रैक्ट में मौजूद है टी लीव एक्सट्रैक्ट जो घरों में हम चाय बनाते हैं तो वो भी एक कहवा टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट ही बनता है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होंगे जिनमें भी टेनेंस कैफिक एसिड मौजूद होगा फ्लेवोनाइड्स मौजूद होंगे फ्लेवोनाइड जिनमें फिनोल सब्चिटेंट मौजूद है और बेंजीन रिंग के साथ ओ लगे हुए हैं तो वो भी एसिडिक इन नेचर है इस तरह कैफीन भी मौजूद होगी कैफीन को एक्सट्रैक्ट अगर हम इससे करना चाहें तो अभी ये एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं हम इसके अंदर क्लोरोफॉम ऐड करते हैं या डाइक्लोरोमीथेन ऐड कर सकते हैं सी एच टू सी एल टू टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट हमने पानी में लिया था तो जब हम ऑर्गेनिक लेयर इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सेपरेटिंग फनल में नीचे डायक्लोरोन की लेयर बनेगी और ऊपर एक्वस लेयर बनेगी तो हम ऑर्गेनिक लेयर को इसमें से अलग कर सकते हैं ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ये तमाम कंपाउंड मौजूद होंगे और एक्वस लेयर जिसमें अगर कोई सॉल्ट्स हैं तो सिर्फ वो जाएंगे ऑर्गेनिक लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक्वस लेयर में कुछ सॉल्ट्स मौजूद हैं इसी प्लांट के अंदर जैसे ज़मीन से जब पानी शक होता है प्लांट में तो बहुत सारे सॉल्ट्स भी डिपॉजिट होते हैं वो सेपरेट आउट एक्वस लेयर में हो सकते हैं ऑर्गेनिक लेयर की एक्टिविटी हम एक से ज़्यादा मरतबा आम तौर पर परफॉर्म करते हैं रिपीट थ्राइस और जो तीनों मरतबा आपकी सब्जिटेंट या अमाउंट कलेक्ट होती है उन्हें फिर हम एक ही जगह कलेक्ट कर देते हैं अब इस स्कीम में जो कुछ भी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में आया वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन हमें तो सिर्फ कैफीन चाहिए तो ऑर्गेनिक लेयर में हम मज़ीद एक्वस यानी वाटर ऐड करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने का मतलब कि जो एसिडिक चीज़ें हैं कैफिक एसिड है या फिनोल फ्लेवोनाइड्स हैं या और कंपाउंड जो एसिडिक इन नेचर हैं वो तमाम के तमाम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइव मोरल सोलूशन जनफ कि जिसमें एक स्ट्रॉग सोलूशन है जो तमाम को रेक्ट करवाने के काबिल होगा एक्वस लेयर में हमारे पास सॉल्ट ऑफ फ्लेवोनाइट्स सॉल्ट ऑफ कैफिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स कोई और अगर मौजूद हैं और ऑर्गेनिक लेयर में अब सिर्फ पॉसिबली कैफीन रह जाएगी कैफीन की तमाम क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम रोटरी एवेपरेटर के ज़रिए जो ऑर्गेनिक लेयर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है रोटा वेपर के ज़रिए उसे उड़ा लेंगे रोटरी एवेपरेटर और ऑर्गेनिक और लेयर में बाकी जो सॉलिड मास बचेगा वो पॉसिबली हमारे पास कैफ़ीन की सूरत में होगा अब यहाँ स्कीम में एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो हमारे एक्वस लेयर में सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और कैफ़ीन ये भी बेस है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ख़ुद इस तरह रेड करेगा कि एक्वस लेयर से तमाम कैफीन की सॉलिबलिटी को और पुअर करेगा और कैफ़ीन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक लेयर में सोलबलाइज होगी जबकि दूसरी तरफ सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से जो भी चीज़ें सॉल्ट बना सकती हैं वो सब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन में आ जाएंगी इसी स्कीम के इस्तेमाल करते हुए हम कैफीन को अलग कर सकते हैं निकोटीन को अलग कर सकते हैं और ये इनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं यानी इंडस्ट्री में टी लीव्स की प्रोडक्शन या इसको क्वांटिफाई करने के लिए इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए या टोबैको की क्वालिटी चेक करने के लिए ये बेसिक टेस्ट हैं जिनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए परफॉर्म करते हैं